नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आपके साथ मैं रश्मि। तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है, शुभ समाचार है। किसानों को गहलोत सरकार बड़ा तोहफा देगी। गहलोत सरकार का मिशन, राजस्थान किसान महोत्सव और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत नई तकनीक की जानकारी भी किसानों को दी जाएगी ताकि वो और भी उन्नत किसानी कर पाए। तो किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है राजस्थान सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार। नई तकनीकी जानकारी किसानों को मिलेगी इस योजना के अंतर्गत, तो बड़ा तोहफा किसानों को राजस्थान में। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों को नई तकनीकी जानकारी दी जाएगी और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नई तकनीकी जानकारी इस योजना के तहत किसानों को मिलेगी। तो एक कार्यक्रम के दौरान ये तमाम बातें निकल करके सामने आई है और गहलोत सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है किसानों को। गहलोत सरकार का राजस्थान किसान महोत्सव और इस महोत्सव के दौरान ये अहम बातें किसानों के हित में। तो राजस्थान में चुनाव है और उससे पहले सरकार की कवायदें, कोशिशें और खासतौर पर किसानों से जुड़ने की कोशिश, उनका हितैषी बनने की कोशिश, और इसी के तहत एक बड़ा ऐलान किया गया है राजस्थान किसान महोत्सव के दौरान। महोत्सव का मिशन है स्मार्ट फार्म, कृषि बागवानी, पशुपालन और महोत्सव में डेयरी, मत्स्य पालन, नई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। मेले में किसानों के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है और कई योजनाओं के बारे में कहा गया है। इन योजनाओं का सीधा सीधा फायदा राजस्थान के किसानों को मिलेगा, अन्नदाताओं को मिलेगा। तो एक बड़ा मेला लगा है इस महोत्सव के दौरान और बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान की सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से। तो देखिए, इस महोत्सव में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई बड़ी बातें कही। तो कई नई तकनीकों की जानकारी किसानों के लिए। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत। आपके प्रयासों के हम शुक्रगुजार हैं, चेहरों पर मुस्काने हैं कृषकों के और पशुपालकों के। ये आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, ये वादा करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं, भरोसा दिया है राजस्थान के किसानों को, पशुपालकों को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और देखिए, कोशिश की जा रही कि सरकारी योजनाओं को लेकर जो राज्य के अन्नदाता हैं, यानी कि किसान हैं, पशुपालक हैं, वो जागरूक रहें। और अब वो महत्वपूर्ण बहुत सारी है जो हमने शुरू की है, कोशिश की है। आपसे मेरी प्रार्थना है, समय बदल रहा है, हम चाहते हैं राजस्थान भी समय के साथ साथ में आगे बढ़े। राजस्थान वो नहीं रहा पहले वाला, जहाँ कहाँ सूखे ही पड़ते थे खाली सदियों से। पीने के पानी का संकट आज भी है, पर फिर भी इंदिरा गांधी कैनाल आ गई, ERC भी लाने की प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह ट्यूबवेल की मशीनें पहले नहीं थी, वो आ गई थी। बदलाव हुआ है, मानसून का बदलाव भी हुआ है, वो बात पहले वाली नहीं रही है। परंतु अब हम चाहेंगे समय के साथ हम बदलें। वाइस चांसलर गण बैठे हुए यहाँ पर, मैं कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी रिसर्च हो। रिसर्च हमारे यहाँ कम होती है, रिसर्च का सेक्टर बढ़ना चाहिए। रिसर्च होने के बाद में उसका लाभ गांव तक पहुँचना चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर, ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। पर किसानों को भी अगर सरकार एडवाइज करती है ड्रिप इरीगेशन का, बूंद बूंद खेती का, स्प्रिंकल का, फुहारा खेती का, उसका क्या लाभ है उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ड्रिप इरीगेशन में पानी कम खर्च होके उत्पादन ज़्यादा होता है, ये हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके पानी बचेगा। हम चाहेंगे अगली बार, अभी हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे थे इरीगेशन को और तवज्जो मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा अगर सरकार अगली बार आ गई हमारी, तो हम चाहेंगे कि माइनर इरिगेशन जो है, छोटे छोटे बांध पूरे राजस्थान में जाल बिछ जाए उसका, आंध्र प्रदेश की तरह, और उससे सिंचाई हो, दो फसल ले सके किसान, एक फसल की बजाय दो फसल ले सके, इस तरह बने।
अभी तो आपके खाली अधिकांश क्षेत्रों में तो जहाँ इरीगेशन नहीं है वहाँ बरसात के पानी में निर्भर रहना पड़ता है, पर अगर पानी गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में बचने लग जाए और सरकार छोटे बड़े डैम बना दे, माइनर इरीगेशन सूक्ष्म सिंचाई होने लग जाए, कई क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि राजस्थान तेज गति से प्रगति हर क्षेत्र में करे, इसलिए मैंने कहा कि विजन होना चाहिए 2030 तक राजस्थान भी देश की अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच जाए, ये हमारा सपना होना चाहिए। वो सपना पूरा तब होगा तब पूरा प्रदेशवासी जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, सभी के मन में भाव आएंगे कि मुझे 2030 तक राजस्थान को आगे बढ़ाने में क्या करना है, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए लोगों की, ये होना चाहिए। किस प्रकार से पहले नारा दिया था भारत सरकार ने किसानों की इनकम डबल कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। हमने जो है उन्होंने काले कानून लेके आ गए, तमाशा हो गया, 500-700 किसान मारे गए बेचारे। हमने जिस प्रकार से किसानों का अलग बजट पेश किया है, दुगनी राशि तक दी है किसानों के लिए, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से 12 मिशन बनाए अभी चीफ सेक्रेटरी उस समय कह रही थी। तो चुनाव से पहले किसानों पशुपालकों को साधने की कोशिश की जा रही, चलिए रुक।